que मोशन के ऊपर वाई पार्ट ऑफ द मोशन के ऊपर टक्कर का कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं. तो यदि हम वाई को अलग से सोचे तो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है, यही है मोशन. इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, एक्सेलरेशन इन वाई, मोशन कब खत्म होगा किससे पता पड़ता है? एक्स से कि वाई से? वाई से. मोशन कब खत्म होगा? टक्कर वक्कर की बात ही नहीं कर रहा मैं, क्योंकि टक्कर का कोई फर्क वाई पे नहीं पड़ रहा है. राइट. जब मोशन खत्म होगा व्हाट वुड बी डिस्प्लेसमेंट इन वाई? माइनस 1.05. वनडी काइनेमेटिक्स का लेक्चर यदि अभी तक आपने देख लिया होगा तो समझ में आ गया होगा कि अपन एक्सेलरेशन का साइन चेंज नहीं करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में. ओके नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी जल्दी देख लीजिए और मुझसे पूछ लीजिए. देख लिया? समझ में आ गया? पक्का? ऊपर जाते हुए भी एक्सेलरेशन नीचे ही है, नीचे आते हुए एक्सेलरेशन? पक्का? ऑलराइट, गुड बॉय. फास्ट करते हो यार तुम काम, मेरे से नहीं पूछना था कुछ भी. अरे यार, तो मंडे वेनेसडे फ्राइडे बेस्ट रहता है. 9 बजे कितने बजे आए थे? 10 बजे तक थोड़ी रहता हूं मैं. 8:45 बोला है, 8:45 9 बजे. तो तुम यहां तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर लीजिए. माइनस 1.05 इज इक्वल्स टू 10t माइनस 5t स्क्वायर. क्वाड्रेटिक बन रही है लेकिन बड़ी अच्छी क्वाड्रेटिक है. 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बड़ी सुंदर क्वाड्रेटिक बनेगी. टी की वैल्यू आ जाएगी 2.1 सेकेंड. मतलब कि ये मोशन 2.1 सेकेंड में ही खत्म होना है. राइट. यदि आपने सच में समझा होता तो आप अभी भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपने समझा नहीं है. वो जस्ट बाय चांस आपसे आंसर जल्दी आ गया था. मोशन कब खत्म होना है? 2.1 सेकेंड में खत्म होना है. 2.1 सेकेंड पे यहां पर लैंड कर रहा होगा. एग्रीड और नॉट? ये अपन ने एक्स से नहीं निकाला. पक्का? यहां तक सॉल्यूशन समझ में आया? लिख लीजिए. एक तो आप लोग देखते रहते यार, सब यहां पे ना साइंटिस्ट हैं. समझ में आया? वाई को अपन ने मोशन अलग से कर लिया. बढ़ू मैं आगे? ऑलराइट. अब हम एक्स का मोशन देखते हैं. ओके एक्स का मोशन अलग से देख लेंगे. यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा एक्स में? 0.3 सेकेंड्स. टोटल कितना टाइम है उसके पास? 2.1. 0.3 जाने में लग गया, 1.8 पीछे आने में लग जाएगा. कितना चल पाएगा 1.8 में? 18 मीटर. शॉर्ट. अपन तो दिल पे ले लेते, प्रोजेक्टाइल है तो साहब मैं प्रोजेक्टाइल के साथ 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 जाऊंगा वहां पे, जाके पहले हाइट निकालूंगा, टाइम निकालूंगा, फिर नया प्रोजेक्टाइल शुरू करूंगा. क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल पड़ा है तो प्रोजेक्टाइल लगाऊंगा. प्रोजेक्टाइल में मेन चीज क्या पड़ी हमने? सेपरेशन ऑफ एक्सेस. ये कर्व थोड़ी मेन चीज पड़ी है. आइडिया क्या है बेटा? आप समझ में आ रहा है फिजिक्स और मैथ्स में अंतर? दिस इज फिजिक्स. ये आइडिया कैसे अप्लाई करें वो नहीं सीखा आपने तो इक्वेशंस कुछ काम की नहीं है. दिस वन आइडिया दैट एक्स डज नॉट अफेक्ट वाई. कैन यू थिंक इट हियर कि यार एक्स और वाई आपको क्या सच्ची मुच्ची अलग दिखते कि नहीं दिखते? नहीं दिखते. आपसे पूछे प्रोजेक्टाइल में क्या हो रहा है? सर यूं जा रहा है और यूं जाकर टक्कर मार के यूं जा रहा है. मुझसे पूछे कैसा दिख रहा है? बोलूंगा ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है. उसको वाई में उछाला, वाई में अलग से मोशन कर रहा है, एक्स में अलग से मोशन कर रहा है. मेरा विजुअलाइजेशन ही आपसे पूरी तरह से अलग है. आपका विजुअलाइजेशन ये गया ये वापस आया, ये मेरा ये है. डम शराज होता है, डम शराज एक गेम. डम शराज पता आपको? एक गेम होता है. क्या होता है उस गेम में? है पता नहीं है पर गेम क्या होता है उसमें? क्या होता है? इशारे से समझाना होता है ना. जनरली मूवीज का नाम लेते हैं लोग बात, नहीं तो कोई भी आइडिया का भी ले सकते. नहीं समझाई बात क्या? इशारों से आइडिया समझाना होता है, उसको डमशराज बोलते हैं. राइट. तो जिसको प्रोजेक्टाइल नहीं आती होगी डमशराज में कैसे दिखाएगा प्रोजेक्टाइल को? ऐसे. और जिसको आती होगी वो
हाँ गधे लोगों का यही पहचान है. थैंक यू फॉर दैट. हाँ वही तो मैं कह रहा हूं ना, मान लो इधर भी गधे बैठे इधर भी गधा है तो फिर यही प्रोजेक्टाइल का साइन होएगा. मान लो इधर भी इंटेलिजेंट है इधर भी इंटेलिजेंट है, बाय चांस रेयर है, बहुत रेयर चांसेस है कि इधर भी इंटेलिजेंट हो उधर भी इंटेलिजेंट हो. अरे दोनों साइड इंटेलिजेंट हो तो फिर कैसे दिखाएगा वो प्रोजेक्टाइल को, वाय अलग एक्स अलग. पर चूंकि ऐसा नहीं है तुमने अभी भी प्रूव कर ही दिया राइट, तो इसलिए वो ऐसे दिखाएगा. यही मैं कह रहा था एग्जैक्टली. थैंक यू. समझ में आया रोशन, तुम कैसे दिखाओगे कैसे ना ऐसे, अभी तो बोला उसने. अरे तुम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो शिवांश. शाबाश शिवांश, थैंक यू. बड़े आगे पक्का आइडिया समझ में आने लगा थोड़ा बहुत या बिल्कुल भी नहीं? नहीं तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा यार. ये मैंने 10 दिया तो उन्होंने खटाखट जुगाड़बाजी से कर लिया. चप्पो वन सेकंड में कहां पहुंचा, 5 मीटर ऊपर खटखट. चौंक गया, इन्होंने आंसर निकाला कैसे इतना फास्ट. जैसे मैंने इसको 3 किया आंसर अभी भी वही है. चल तो 2.1 सेकंड के लिए, इनको इतनी भी अक्कल नहीं है कि वो टाइम तो चेंज ही नहीं होगा मोशन का, क्योंकि एक्स और वाई तो सेपरेट किया ही नहीं इन्होंने. अब बता यदि मैं इसको 3 की जगह 10 कर दूं, 10 की जगह 5 कर दूं, 4 कर दूं, चलेगा तो 2.1 सेकंड के लिए. पर आप सोच ही नहीं पाए ये बात. नहीं बात समझ में. हाँ यही सीखना है, यही सोचना है और कुछ नहीं है सवाल में. ठीक है बढ़े आगे. चलिए एक आध इजी भी ले लेते हैं. ये सवाल जब मैंने बनाया था तब बार्सिलोना के लिए 10 नंबर पे कोई और खेलता था राइट, वो अपने जमाने का ग्रेटेस्ट प्लेयर था. बार्सिलोना के लिए 10 नंबर पे मैराडोना. Who introduced Messi to Barcelona actually, Ronaldinho. देखिए टेस्ट में सवाल दिया कितना बढ़िया रोनाल्डिनियो है, आपको तो पता ही नहीं रोनाल्डिनियो किसको दिखा रहा हूँ. पता है बढ़िया फोटो है ना, दाद कितने बढ़िया बाहर निकाल रखे ना. टेस्ट में सवाल दिया था फुटबॉल के नाम पे ये कबाड़ा हो रहा है. थैंक यू बेटा, सो नाइस ऑफ यू. मैं भी फुटबॉल खेलने लग गया, सॉरी. ऑलराइट, सो थोड़ा हाइपोथेटिकल है, हालांकि मैसी है कुछ भी कर सकता. सो लेट से ये मैसी है राइट, लियो मैसी. ओके राइट, तू आई हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कोच का खुद का स्टेटमेंट है, लुई फिलिप स्कोलारी का, कि रोनाल्डो की जिंदगी में सबसे बुरी चीज है कि मेसी के समय पैदा हो गया हो. राइट, सो वेरी सीरियस. तुम्हें तो लिखवाऊंगा मैं 100 बार. तो इसने किक किया फुटबॉल को राइट, चूंकि ये मैसी है कैसे फालतू टाइप का खिलाड़ी नहीं है, CR7 टाइप्स राइट. समझ में आ रही है बात, उसको तो कोई दूसरा खिलाड़ी चाहिए होता है, ये खुद ही पहुंच गया खुद का पास लेने के लिए. समझ में आ रही है बात, खुद का पास किसने ले लिया, खुद ने ले लिया. समझ में आई मेरी बात, किक किया और खुद का पास लेने खुद ही पहुंच गया, कोई राह का डिफेंडर डिफेंडर तो साइड साइड से पहुंच गया. ठीक है अरे ना, थोड़ा है फुटबॉल का है ना, मैसी को लेके थोड़ा ऐसे. जब पहले तेंदुलकर खेलता था तब भी थोड़ा मैं क्रेजी था क्या. तो आज क्लास गया जरूर ना, अभी क्लास के बात करते हैं अपन आज.
तो ये t इक्वल टू जीरो पे इसने मारा और t इक्वल टू टू पे खुद यहां पहुंच गया है ना, ठीक है, उसी हाइट पे जहां पे इसने मारा था, ठीक है। तो आपको ये निकालना है कि इसने कितनी वेलोसिटी से किक मारी होगी, हो गया सॉल्व? कैसे सॉल्व होगा? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो टाइम की है ना, टाइम की इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास, टाइम की इंफॉर्मेशन और वाई की हमारे पास इंफॉर्मेशन से सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यू वाई वुड बी इक्वल टू यू साइन 60 डिग्री, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, टाइम टेकन इज 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट फॉर 2 सेकेंड इज 0 इन वाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, ओनली अननोन इज यू, समझ में बात? एक्स को सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अपने को टाइम से सॉल्व हो जाएगा, कितनी दूर गया क्या गया वो निकालना निकाल लेंगे अपन, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा डेटा कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे मैं मेसी की फोटो बना दूं और ये कर दूं वो कर दूं और मेसी के बारे में एक पूरा पैराग्राफ लिख दूं और उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बुराइयां लिख दूं, आप उसी को पढ़ने लग जाओ तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, राइट? अब हमको डेटा देखना है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, गॉट इट? बढ़ू मैं आगे? नहीं आया समझ में? आ गया, ओके। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंका है, ये पहाड़ है फाई एंगल का, राइट? हमको जानना है कितनी दूर जाके गिरेगा, ओके? यहां पे इंडिया की तो पे उधर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, ओके? अरे घुस गए थे ना पाकिस्तानी कारगिल में, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो अपन जानना चाहते हैं तोप की रेंज कितनी है। बकवास करवा लो, पता कुछ है नहीं। एक्स वाई क्यों लिया ये एक्स और वाई? हाँ, वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ये क्यों नहीं लिया, राइट? तो अब लेकिन इसमें तकलीफ तो होगी, जी के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। चलो ले लेते हैं, ले ले ये जी, ये फाइव, ये 90 माइनस 5, ये फाइव, ये कितना हो गया जी कॉस फाइव, ये कितना हो गया जी साइन फाइव। फाइव कंटिन्यू कर रहा हूं मैं आगे, नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। एक्स, और ध्यान से देखिएगा मेरा सॉल्यूशन आपसे अभी भी फास्ट ही होगा, क्यों? क्योंकि आपने अभी भी दिमाग पूरा नहीं लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जीरो आएगा कि आपकी बार एक्स माइनस दिखा माइनस जी साइन फाइव, एक्स दिखा सबको, ओके। एक्स कोऑर्डिनेट आपकी बार लिखेंगे तो इट विल नॉट बी यू टी, इट वुड बी यू कॉस थीटा माइनस फाइव टी माइनस जी साइन फाइव टी स्क्वायर बाय टू। और राइट, कंटिन्यू करो मैं इधर, वाई यू थीटा माइनस फाइव ए वाई, दिख रहा है? ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट यू साइन थीटा माइनस फाइव टी माइनस जी कॉस फाइव टी स्क्वायर बाय टू। कोई तकलीफ यहां तक? लैंडिंग होगी तो क्या हो जाएगा? वाई जीरो पुट कर देंगे, फिर क्या करेंगे? टाइम निकाल लेंगे, फिर उसको कहां पुट कर देंगे? तो रेंज निकल जाएगी। ये आपका सॉल्यूशन है, करिए शाबाश, करो। जी का कंपोनेंट कैसे लिया? ये बेटा फाई यहां से परपेंडिकुलर गिराया तो ये 90 माइनस 5, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे नहीं आता बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते ना 90 माइनस थीटा को, है? करो यार, निकालो टाइम वैल्यू, रखो, रख दी वैल्यू तुमने, ओके चलिए शाबाश, अच्छे मजदूर बनोगे तुम।
तुम्हें करना है तो करो, नेतागिरी मत करो। हाँ, पेन चलाया करो, मुंह नहीं। मुंह जलाना है तो चुनाव हो रहे, यूपी में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, वहां खड़े हो जाओ और जितना चाहे चलाओ मुंह। नेता बनना है, भाषण देना है, अलग बात है। बढ़ू मैं आगे? करिए करिए, आप लोग करिए, मजदूरी करिए, शाबाश। अरे करो भाई मजदूरी, आप लोगों के लिए मजदूरी अच्छी चीज है, हार्डवर्क इज वेरी गुड। पेरेंट्स ने बोला नहीं बेटा बहुत मेहनत करनी है जेईई की तैयारी में? बोला होगा ना सबने? नहीं बोला? मेहनत करने को सबने जेईई की तैयारी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हैं? गलत बोल रहे थे वो लोग, मेहनत नहीं करनी होती है, पत्थर थोड़ी तोड़ने, सोच बदलनी पड़ती है। सॉल्ट मेरा सोल्यूशन, पहले कॉपी कर लीजिए, ध्यान से मत देखिए उसको, आप प्रोफेसर अशोक सेन नहीं है, रामानुजन नहीं है, है ना? पेन चलाइए, भगवान ने जो दिया उसको यूज करिए। तुम्हारा एक तो हाथ मुझे नीचे दिखाना आप किसी भी दिन, हाँ दोबारा लिख लो, तो अपन से लिखा होता तो कर लेते ना सही, अगले पेज पे आराम से ये नोट्स तुम ये